ये लोग करता क्या है, परेशान करने के लिए बार बार थाने में जाकर केस करता है और SC ST एक्ट का दुरुपयोग करता है। ये 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हर पदाधिकारी के पास जाती है और इस तरह से एक्टिंग करती है ताकि पदाधिकारी को लगे कि सही में इसको प्रताड़ित किया गया है। और बार बार SC ST का केस हम लोगों के ऊपर होता है, हम लोग झेलते हैं और बहुत परेशानी आज 8 साल से झेल रहे हैं। आ सगा भाई छे हमर रमेश शर्मा, वही तंग तबाही करे छे वैसी। मतलब आपका सगा भाई है वो आप पर रेप केस करवाते हैं बार बार? जी। क्यों करते हैं, कि आप उनके यहाँ जाते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, हम नहीं जाते, कहता है हमारा जमीन है, इनको भी दो केस में, हम बटेदार है ना मालिक का। आपने जमींदार से जमीन ली है? जी। अच्छा, तो उसके बाद जब चढ़ाई करते हैं तो आप पर केस कर देते हैं वो? हाँ, चढ़ाई करते हैं, खेत जोतने जाते हैं तब केस करते हैं, फसल काटने जाते हैं तब केस करते हैं, रहते हैं घरे में कह देता है कि हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। 3 बार तो डिफॉल्ट पाया गया, जो हरिजन थाना से आए बड़ा हुआ, जांच पड़ताल किए तो भूमि विवाद देखे तो 3 बार तो फॉल्स कर दिए। अब की बार नया DSP साहब आए हुए थे, आनंद फानन में FIR कर दिए। अंचलाधिकारी ने 30/1/2017 में अस्वीकृत कर दिया गया है, ये देख लीजिए, अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके बाद ई अंचलाधिकारी रिटायरमेंट होता है इनका, ई अंचलाधिकारी जो है जब रिटायर कर जाते हैं, इसके बाद ध्रुव कुमार नाम के अंचलाधिकारी यहाँ पर पोस्टिंग होता है, हाँ, जिसको कि विजिलेंस के द्वारा पकड़ा गया था, ठीक ना। और उस अंचलाधिकारी के पास ई अशोक शर्मा अपने बेटे को नौकरी रखते हैं। नौकरी रखने के बाद वो लगभग जब तक वो रहे तब तक जो है अशोक शर्मा का लड़का उसके यहाँ नौकरी रहा, खाना पीना बनाता था, कपड़ा धोता था, सब कुछ करता था ताकि हमको ज़मीन प्राप्त हो जाए। और इसके बाद जो है यही अंचलाधिकारी ध्रुव कुमार के द्वारा इसी केस नंबर पर, ये 8/2014 जो अंचल का केस नंबर है, इसी केस नंबर पर उसको क्या करते हैं, ये स्वीकृत करके मतलब ये बटेदारी हक प्रदान कर देते हैं। ये है विवाद का कारण। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। सुपौल जिले के एक ऐसा गांव जहां पर SC ST का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है उसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको हम सीधे ले चलते हैं उस पीड़ित के पास में, फिर आपसे आगे हम बातें करेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पर कितनी बार SC ST केस हुआ है? 4 बार। 4 बार आप पर कितने बार हुआ है? 4 बार। 3 बार। 3 बार हुआ आपने। आप पर क्या केस हुआ है? 4 बार। क्या रेप केस कितने बार हुआ है? 2 बार। 2 बार। एक लग गई। अच्छा, तकरबादी। अच्छा, आप पर कितने बार SC ST केस हुआ है? 2 बार हुआ है, और 2 बार तो एक बार जनता दरबार में हम लोग खड़े हुए पूरा सबूत के साथ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, एक वर्ड झूठ नहीं है। हम लोग जिमीदार से जमीन खरीदे, जिमीदार भी सपोर्ट किया, ये देखिए ये बटेदार है ना, लड़ने की वजह से हम लोग बटेदार को भी पैसा दिए और जिमीदार को भी दिए। बताइए, आपकी संपत्ति है तो हम लोग खरीदने में क्या दोषी हुए? सही बात, आपसे हम फिर बात करेंगे। आपके पास आप पे कितना केस हुआ SC ST? 2 बार। 2 बार। आप सोचिए, जो व्यक्ति SC ST में नहीं आते हैं उस पर SC ST एक्ट के तहत केस कराया जा रहा है, और जो व्यक्ति SC ST के अंदर आते हैं उस पर रेप केस कराया जा रहा है। आपके संज्ञान में ये इसी तरह का मामला आया होगा, वो भी था पासी के जो जिला है अररिया, वहाँ से आया होगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों होता आप पर SC ST केस? वही जमीन जो रोड साइड में खरीदे हैं उसी के चलते ये लोग चाहता है किसी तरह तबाह करेंगे, हरिजन का फायदा उठाएंगे तो ये लोग भाग जाएगा डर से। किस प्रकार की जमीन है वो? जमीन जमींदार का है, बंदोबस्ती है, बहुत पुराना जमीन है। अच्छा। और ये लोग बटेदार थे पहले, बटेदारी में ये लोग खेती करते थे, करते करते ये लोग केस मुकदमा लड़ने लगा बटेदारी का। उच्च न्यायालय का आदेश आया जो में 3/11 बटेदार को जो अंचलाधिकारी दिए उन लोगों को जितना जमीन, तो ज़मीन तो ज़्यादा है तो वो लोग उतना से संतुष्ट नहीं है, जितना जितना आवेदन करता है आवेदन के हिसाब से ज़मीन खोजते हैं, ये नहीं देखते कि मेरा आवेदन स्वीकृत है या अस्वीकृत है। अच्छा। हाँ, तो आपने जमींदार से ज़मीन ली है? जी। अच्छा, तो उसके बाद जब चढ़ाई करते हैं तो आप पर केस कर देते हैं वो? हाँ, चढ़ाई करते हैं, खेत जोतने जाते हैं तब केस करते हैं, फसल काटने जाते हैं तब केस करते हैं, रहते हैं घरे में कह देता है कि हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। 3 बार तो डिफॉल्ट पाया गया, जो हरिजन थाना से आए बड़ा हुआ, जांच पड़ताल किए तो भूमि विवाद देखे तो 3 बार तो फॉल्स कर दिए। अब की बार
नया डीएसपी साहब आए हुए थे, आनंद फानन में एफआईआर कर दिए। अच्छा, और एफआईआर को भुगते हम लोग। अब सुनिए, जो पुराने अधिकारीगण होते हैं वो सभी इस केस से अवगत होते हैं, लेकिन जो नए आते हैं वो इस केस से अवगत होते नहीं हैं, और यही वजह है कि इनका कुछ ग्रुप भी है क्या, वो उनके पास पहुंचते हैं फिर उनकी आवाज़ पर, उनके जो आग्रह पर वो केस कर देते हैं नए अधिकारीगण। इसमें पांच महिला का ग्रुप है। अच्छा, और पांचों महिला क्या करते हैं कि ये तीनों पांचों महिला जो है ना आपस में विचार करते हैं कि हम करेंगे केस तो चार गवाह होना। अच्छा। हम करेंगे केस तो चार गवाह होना। जिसका पति जो पांचों महिला का मेरा नाम है, ममता देवी है, परमिला देवी है, मन्नी देवी है, इसके बाद पूर्णी देवी है और बीना देवी है। ये पांचों महिला यहाँ से लेके जिला तक ड्रामा करते करते आज 5 साल से हम लोगों को तबाह कर चुका है। आपको हम इस ज़मीन से जुड़ी जानकारी देंगे, उनका जो ज़मींदार है वो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम आखिर में जानेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। हम आपके पास पहुँचेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं यह भी जानकारी दे दूं कि ये सुपौल ज़िले की ग्राम पंचायत नंदना है, और नंदना में पिछले 10 से 12 सालों से इसी तरह का कारनामा हो रहा है जिससे सभी लोग परेशान हैं। आप क्या बोलना चाह रहे थे बताइए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रशासन लोग आते हैं तो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, ये लोग जाकर के आवेदन लगा देता, हम लोग खुद परेशान है 8-10 साल से जोत कोर करते हैं, एक रुपया किसान का बाकी नहीं है। जैसे खाता संदामन में रोक लगा हुआ है, जैसे रजिस्ट्री खुलेगा हम लोगों को जिम्मेदार रजिस्ट्री कर देगा, पैसा सब दे चुके हैं। ये शर्मा लोग जो है बहुत परेशान करता है, पांच महिला का जुट है, कोई केस होता तो चार महिला गवाह हो जाता है, एक महिला जो है वो मुद्दे बन जाता है। प्रशासन लोग ये नहीं सोचता है कि इनका जांच पड़ताल करे। अब बताइए, वो भी तो किसी जिम्मेदार का लड़का होगा प्रशासन, हम लोग क्या करें, हम लोग चोरी करके खाएंगे। किसान है अपना बहू बेटी का जेवर बेच के, कपड़ा बेच के वो ज़मीन खरीदे, अब वहाँ जाते हैं तो प्रशासन लोग केस ले लेते हैं। अब बताइए, ये नहीं कि जाके जांच करें, इसका हकीकत क्या है, हम लोगों का मजबूरी क्या है, उनका मजबूरी क्या है, सीधा केस करता है, केस ले लेता, हम लोग परेशान हो चुके हैं। क्यों आप लोग उनको मारते पीटते हैं कुछ क्या? नहीं, मेरे सारा वीडियो बना हुआ है, जब खेत जोते वो भी वीडियो है, खेत रोपे वो भी वीडियो है, मतलब फसल काटने तक का वीडियो है, कोई शर्मा का टर्च नहीं है हम लोगों से। अकेला थे, ट्रैक्टर वाला था और एक दो आदमी जो लिया वो भी था, मजदूर था रोपने वाले, उसी में कहा कि बांध छान दिया पैर में, हम लोगों को चोली फाड़ दिया तो सजा फाड़ दिया, बताइए कितना घिनौना है, हम लोगों का उम्र है चोली फाड़े हैं सजा चीरे, अच्छा बात नहीं है। प्रशासन को भी ये बात सोचना चाहिए कि आखिर तो इंसान वो भी है प्रशासन, किसी माँ का औलाद वो भी है, जा करके अपना ज़मीन को चेक करे, उसका कागज़ पत्र ले, हम लोग किसान का कागज़ पत्र देख के लिए हैं, ऐसे नहीं है कि हम लोगों को पैसा। आप लोगों के पास कागज पत्र है? बिल्कुल जी। अच्छा, एग्रीमेंट खाता 57 में रोक लगा हुआ है, खाता 57 में रोक लगा हुआ था, शर्मा लोग तंग कर देते थे, हम साहब जमींदार को बोले कि चलिए हम ना कोर्ट में एग्रीमेंट कर दीजिए, कोर्ट का एग्रीमेंट है और बटेदार से भी एग्रीमेंट करा रखे है। अच्छा जी, चलिए हमारे साथ यहाँ पर वो व्यक्ति है जो खुद SC ST के अंदर पढ़ते हैं और इन पे 2 FIR हुआ है रेप केस के रूप में। आप पर जो FIR हुई है रेप केस का, वो कैसे हुई है? वह जमीने के विवाद लेकर करे छे। कौन है वो लोग? हमर रमेश छे, अशोक शर्मा और परमिला देवी, मन्नी देवी। अच्छा, और सगा भाई छे हमर रमेश शर्मा, वही तंग तबाही करे छे बेसी। मतलब आपका सगा भाई है वो आप पर रेप केस करवाते हैं बार बार? जी। क्यों करते हैं, कि आप उनके यहाँ जाते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, हम नहीं जाते, कहता है हमारा जमीन है, इनको भी दो केस में, हम बटेदार हैं ना मालिक का। क्या उनके हिस्से की जमीन आप बेचते हैं क्या, या फिर उस पर चढ़ाई करते हैं? नहीं, हम अपने हिस्से में, उनके हिस्से में नहीं। अच्छा, हम जो जमींदार को सपोर्ट करे छे वही लग करे छे ना। अच्छा, तो आप सोचिए, आपको मामला हद तक समझ में आ गई होगी कि मामला क्या है, जमीन का मामला है, और ये जो आप शख्स सामने खड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका?
उमेश शर्मा जी के पास ज़मीन है, ये एक बटेदार है, और जो जिनकी ज़मीन है वो मेरे साथ खड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आखिर उस ज़मीन में क्या लफड़ा है और क्या मामला है। इनके जो भाई है उनके हिस्से की भी कुछ ज़मीन है, लेकिन इनका यह कहना है कि हमने अपने हिस्से की ज़मीन बेचा है, और उस ज़मीन पर जब जिनके हाथ हमने बेचा है वो लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो उस पर वो लोग जबरन हमला कर देते हैं। जो एस सी एस टी में नहीं पढ़ते हैं उस पर वो लोग एस सी एस टी केस कर देते हैं, जो उस पर पढ़ते हैं उस पर रेप केस कर देते हैं। अब सोचिए, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे भी वहाँ पर बटेदार लोग हैं जिनसे ज़मीन ली गई है, और सबके साथ ऐसा ही कहानी होता रहा है। अब आपको हम लेकर चलते हैं इनके पास, ये ज़मींदार है, जरा बताइए क्या पूरा मामला क्या है, शुरू से बताइए। प्रभात कुमार चौधरी और अरुण कुमार चौधरी हमारे भाई साहब हैं, और उन्हीं के नाम पर ज़मीन है लगभग 17 बीघा। तो उस ज़मीन पर बहुत पहले से बीटी एक्ट का केस चल रहा था, 7 बटेदार था उनके ज़मीन में। अच्छा। और 2016 में हाईकोर्ट से एक आदेश आता है सीओ साहब को। अच्छा। ये आदेश आता है कि आप ज़मीन का मेरिट को देखते हुए जजमेंट करें कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद सीओ साहब जजमेंट करते हैं, 7ों बटेदार का अलग अलग जजमेंट, ठीक है, यही जजमेंट है। केस नंबर 1/2014 से लेकर के केस नंबर 7/2014, ये केस पहले से चल रहा था, उसी बीच में हाईकोर्ट का आदेश आया था 2016 में, ठीक है। तो जब जजमेंट हो जाता है, जजमेंट होने के बाद सारा मामला राफ साफ था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसके बाद क्या होता है कि ईसीओ के ट्रांसफ़र हो जाने के बाद, लगभग 2017 में ईसीओ ट्रांसफ़र हो गए, फिर 18 में एक नए सीओ ने जो आप हाईकोर्ट के हवाले से आपको जजमेंट दिया, स्वीकार किया, वो पेपर दिखाइए हमें जरा सा। वही दिखाना चाह रहे हैं, यही है केस नंबर 8/2014, ये है अशोक शर्मा के नाम से, पकड़ते जाइए, ठीक है। केस नंबर 6/2014, ये है भोला शर्मा के नाम से, ठीक है, रखते जाइए। केस नंबर 11/2014, यह है रमेश शर्मा के नाम से, रखते जाइए। केस नंबर 4/2014, ये है बालेश्वर शर्मा के नाम से, इसके बाद आइए। केस नंबर 10/2014, ये है अर्जुन शर्मा के नाम से, इसके बाद केस नंबर 5/2014, ये अंचल केस नंबर है, ये है उमेश शर्मा के नाम से, और इसके बाद केस नंबर 7/2014, ये है रमेश शर्मा उर्फ पेसर है रघुनंदन शर्मा, ये दूसरा रमेश शर्मा है, ठीक है। तो 7 बटेदार का 7 अलग अलग जजमेंट। अच्छा। इसके बाद तो कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, ये हाईकोर्ट के आदेश पर जजमेंट किया गया है। अच्छा। इसके बाद तो कोई विवाद नहीं था। इसमें 2 बटेदार को जिसका पेपर सही पाया गया और सर जमीन पर दखल कब्जा सही पाया गया और कर्मचारी के द्वारा रिपोर्ट जो था वो सब सही पाया गया, उसको ज़मीन दिया भी गया है, तो जिसका पेपर सही था, चूँकि हाईकोर्ट का आदेश यही था कि ज़मीन के मेरिट को देखते हुए आप जजमेंट करें, एक चीज़ पे तो जजमेंट इसको देखिए, ये अशोक शर्मा है, इसको अंचलाधिकारी अस्वीकृत कर चुके हैं। इसी केस नंबर पर ध्रुव कुमार जी जो हैं वही केस नंबर देके सब कुछ देके 2.25 बीघा का रसीद काट दिए हैं। आप बताइए, चूँकि आप ही की ज़मीन है, बताइए। हाँ, अब आते हैं वहाँ पर। तो इसके बाद क्या होता है कि ध्रुव कुमार एक सीओ आते हैं 2018 में, वो क्या करते हैं, सेम इसी केस नंबर पर एक फर्जी जजमेंट बनाते हैं। ध्रुव कुमार जो जिन पर विजिलेंस की छापामारी, जी हाँ जी हाँ, विजिलेंस जिसको पकड़ करके ले गए थे और जेल में 1 साल रहे, वही ध्रुव कुमार। अच्छा। क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारी थे, बहुत भ्रष्टाचार का आरोप उसके ऊपर लगा, पैसा लेते पकड़े गए हैं, वो 15,000 रुपये हाँ पकड़े गए थे। हाँ, तो वही ध्रुव कुमार क्या किए, ये सेम जजमेंट दूसरा बनाए 2019 में, ठीक है, ये 2014 का जजमेंट है, 2014 नहीं 2017 का जजमेंट है, 14 से तो केस स्टार्ट हुआ था, तो वो 2019 में एक दूसरा जजमेंट सेम ऐसा ही बनाते हैं, केस नंबर भी यही, और उसमें जैसे इसको अस्वीकृत कर दिया गया है तो उसमें स्वीकृत लिखते हैं, ठीक है। अच्छा। स्वीकृत लिख करके उन लोगों के नाम से बटेदारी का रसीद भी निर्गत करने का आदेश दे देते हैं, तो विवाद यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद ज़मींदार इस कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट, ये मैटर हो गया कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट का, एक ही अधिकारी के जजमेंट को सेम पदाधिकारी
चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको निरस्त नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको ऊपर के पदाधिकारी या DCLR के पास जाते या फिर डिस्ट्रिक्ट जज में जाते, उनके पास जाना था। अगर अपील में जाना था या रिविज़न में जाना था तो ऊपर के पदाधिकारी के पास जाना था, लेकिन ऊपर के पदाधिकारी के पास नहीं जा करके ये लोग, या हो सकता है कायदा कानून का जानकारी उनको नहीं होगा ध्रुव कुमार को, तो वो ऐसा कर दिए। तो उसके खिलाफ जो है जमींदार हमारे प्रभात कुमार चौधरी और अरुण कुमार चौधरी हाईकोर्ट में केस किए हुए हैं। ये दो केस के अंतर्गत जो है सारा मामला है, 89/19/2014 CWJC 89/19/2021 और CWJC 88/71/2021। ठीक है, ये केस जो है हाईकोर्ट में दर्ज है, जो कि लंबित है, वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन केस अब लगभग नंबर पर आ गया है, अपना उसका जजमेंट होगा। तो इस जजमेंट हो जाएगा, इसके बाद तो कोई लफड़ा ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल मामला दूध पानी की तरह साफ़ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये लोग करता क्या है, परेशान करने के लिए बार बार थाने में जाकर केस करता है और SC ST एक्ट का दुरुपयोग करता है। ये पांच महिलाएं हैं, पांच महिलाएं हर पदाधिकारी के पास जाती है और इस तरह से एक्टिंग करती है ताकि पदाधिकारी को लगे कि सही में इसको प्रताड़ित किया गया है। और बार बार SC ST का केस हम लोगों के ऊपर होता है, हम लोग झेलते हैं और बहुत परेशानी आज 8 साल से झेल रहे हैं। तो आपने अब जो मामला है उसे आपने समझ गया होगा और कहीं ना कहीं इस मामले का जो जिसने पैदा किया है वो इसके लिए ध्रुव कुमार जी जो CEO हुआ करते थे त्रिवेणीगंज के, जिन्हें 2019 में विजिलेंस की एक टीम ने 15,000 रुपये कैश लेते पकड़ी थी, उनका यही कारनामा है और उन्हीं कारनामे की वजह से आज इतना कुछ हो रहा है। सिर्फ ये आप 6 आदमी नहीं है, यहाँ पे 15 से भी ज़्यादा लोग हैं जो इस प्रकार से पिछले 10 से 12 सालों से परेशान हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। जरा सोचिए कि हाईकोर्ट के आदेश पर एक CEO, ईमानदार CEO, फ्रॉड लोगों की जो अपील थी, रिक्वेस्ट था, उनको अस्वीकृत कर देते हैं। वही उनके रिटायरमेंट के बाद जो भरत CEO आता है, जिन्हें 2019 में ध्रुव कुमार जी को 2019 में विजिलेंस की टीम ने कैश 15,000 रुपये लेते हुए पकड़ी थी, उसी CEO ने अस्वीकृत को स्वीकृत कर दिया, तो मामला वहां से बिगड़ा हुआ है। सोचिए कि एक कलम से जब किसी को आप अधिकार देते हैं तो उसी कलम से कितने की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, इसी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। और ये एकलौता एग्जाम्पल इस राज्य का नहीं है, बिहार के इस क्षेत्र का एग्जाम्पल पहला ये नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा जब तक कि इस पर कानून सख्ती से अपना काम नहीं करेगी। अब आपको बताते हैं कि SC ST एक्ट क्या है। 30 जनवरी 1990 को SC ST एक्ट जो राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून फोर्स में आया, कानून धरातल पर आया, उसके बाद 2000 उस कानून के हिसाब से जो कोई व्यक्ति SC ST को प्रताड़ित करने के लिए उनके नाम से पुकारते थे या फिर उन्हें परेशान करते थे जिस तरह का भी क्यों ना हो, तो वो अपने कानून का मदद लेकर के उससे बचते थे। उस वक्त में SC ST एक्ट जो कानून था उसके तहत केस हो जाने के बाद उसे जो बेल देना होता था वो हाई कोर्ट में लेना होता था और उस वक्त में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उसको बेल नहीं मिलती थी और इंस्पेक्टर लेवल के लोग जो थे वो जांच करने के लिए आते थे। लेकिन 2018 में इस सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस केस के अंदर कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, उसके बाद उन्होंने एक नया जजमेंट दिया है कि 2018 के बाद से अगर कोई व्यक्ति SC ST एक्ट के तहत कोई केस करता किसी दूसरे व्यक्ति पर तो उसकी जाँच के लिए DSP रेंज के जो डिप्टी SP होते हैं उस रेंज के अधिकारी धरातल पर जाएंगे और 7 दिनों के अंदर उसकी जांच करके वहां तक वो रिपोर्ट देंगे। और इस दौरान अगर चाहेंगे केस होने के बाद अगर चाहेंगे जो जो व्यक्ति हैं आरोपी व्यक्ति हैं वो चाहेंगे तो मजिस्ट्रेट से जो जमानत ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रावधान है कानून के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से पिछले सालों से इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ यहीं पर नहीं राज्य के अलग अलग हिस्से में हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्से में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल निशान छोड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो का आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।